जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने डिजिटल लॉजिक की क्लासेज स्टार्ट की थी और डिजिटल लॉजिक में एक चैप्टर चल रहा था अपना गेट, जिसके वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं, और दूसरा जो चैप्टर चल रहा था अपना वो डिजिटल नंबर सिस्टम चल रहा था। और बच्चों, डिजिटल नंबर सिस्टम के अंदर मैंने एक वीडियो आपको कंप्लीट समझा दिया है कि डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उधर से मतलब बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से आप इधर कैसे आते हो। अब बच्चों, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी, गेट, नेट इनके अंदर आ चुके हैं, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन एक बार देखिए मैंने क्या बताया था आपको, और मेरे को पूरा यकीन है कि आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया होगा। अगर पुराना वीडियो देख के आए हो डिजिटल नंबर सिस्टम, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों याद रखना, निम सेट के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, और वो 10 के 10 कम से कम 8 डिजिटल के होते हैं। एक या दो क्वेश्चन ही सी से आते हैं या कोई लैंग्वेज सिस्टम से आता है। क्लियर बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ जी बच्चों, क्या स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, और उसमें मैंने बताया था कि बच्चों इधर आपका डेसिमल होता है, क्या होता है बच्चों डेसिमल, और इधर क्या होता है बच्चों, इधर होता है बाइनरी, इधर होता है ऑक्टल, इधर होता है हेक्साडेसिमल। क्लियर, इधर बेस 4 भी इधर ही होता है, बेस 6 भी इधर ही होता है। क्लियर, एक बच्चे का कल कमेंट आया कि सर इनको तो बाइनरी बोलते हैं, इसको डेसिमल बोलते हैं, इसको ऑक्टल बोलते हैं, इसको 16 बेस बोलते हैं, तो फिर इसको क्या बोलते हैं। बच्चों इनको बेस 4, बेस 6, बेस 5 इस तरीके से बोलिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। कुछ बच्चे कम जुड़े हैं आज, एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिए, पता चल जाएगा कौन कौन लाइव है। हाँ जी बच्चों, थोड़ा समय का ध्यान रखिए, फिक्स 9 बजे मैं क्लास में आ जाता हूं, तो आपको भी 9 बजे ही आना है। हाँ जी चलते हैं अपन, इधर से इधर जाएंगे तो बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड। क्लियर, इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊं क्यों, क्योंकि मैंने कल करवा दिया था। इस 10 का कोई रोल नहीं है, ये इंसान का कोड है बच्चों। अच्छा, अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वो इधर और जो रिमाइंडर आएगा वो उसके सामने, दोनों चलते रहेंगे, दोनों चलते रहेंगे। बोलो क्लियर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग और सभी को जय हिंद। क्लियर बच्चों, अब यहां पर आइए, देखिए क्वेश्चन के बाद कमेंट करो, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है। क्लियर, यहां पर आइए, इधर से इधर जाएंगे डिवाइड करेंगे, और इधर से इधर आएंगे तो बच्चों क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा एक बार बताइए, क्वेश्चन यह है सर 10 का कोई रोल है क्या, तो 10 का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है, अदर बेस का, मशीन बेस का रोल है। ये सब मशीन, इस तरीके से मशीन काम करती है। अधिकतर जो बेस फेमस हुए वो कौन कौन से बच्चों, 2, 8, 16 और बच्चों बेस 10, ये ज्यादा फेमस है। ये ज्यादा कर अपन यूज नहीं करते, ये भी करते हैं, जो 2 की पावर के ऊपर आते हैं उनको ज्यादा यूज करते हैं। बच्चों 2 की पावर पे नहीं है, ये कम यूज होता है। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या, वो आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन से कोड ज्यादा काम आते हैं, जो 2 की पावर पे चलते हैं वो ज्यादा काम आते हैं, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 1 2 होता है, ये बेस ज्यादा काम आता है। तो फिर ये 10 कहां से आ गया, 10 तो इंसानी कोड है बच्चों, सदियों से इंसान काम में ले रहा है। तो 10 को ही, क्योंकि इंसान तो 10 को ही समझता है, 10 बेस को ही समझता है, तो 10 बेस को इनमें चेंज करने के लिए नंबर सिस्टम बना। ये इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, बच्चे ये पूछ रहे थे कल कमेंट करके कि सर आप बताइए नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, आप बताइए, जो मशीन है वो आपकी बाइनरी सिस्टम है बच्चों। बाइनरी मतलब या तो 0 या 1, यानी उसका बेस 2 होगा, उसका बेस 2 होगा तो बच्चों अगर 2-2 के पैकेट बनाएंगे तो 4 होगा, इस तरीके से पूरा चलेगा। याद रखना 6 उतना फेमस नहीं है, क्योंकि पावर 2 के हिसाब से ही बेस ज्यादा काम आते हैं। क्लियर,
मैंने क्लियर कर दिया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक कंसेप्ट है, समझ लो। मैंने ये लिखा, यहां पर क्या है बच्चों, एन, और इधर क्या है बच्चों, बाइनरी, इधर क्या है बच्चों, ऑक्टल, इधर क्या है बच्चों, हेक्साडेसिमल, और इधर क्या है बेस चार, ये इस तरीके से बेस। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप बीच में क्वेश्चन छोड़ देते हो। मैंने कहा आज तक नहीं छोड़ा, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया वो लास्ट तक लेके जाता हूं। हाँ, अगर आपके समझ नहीं है दो बार देखिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि तुम सिंगल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछ सकते, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व होगा। लाइव आने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके लाइव आने की कोशिश कीजिए। कुछ कह रहे सर 9 बजे फैमिली का काम रहता है, तो क्या करें, 9 बजे तो आ ही नहीं पाते हम। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में इसको 11:30 का टाइम कर देंगे, क्योंकि 11:30 to 12:30 मेरे पास स्लॉट खाली है। आपके मैं मानता हूं घर गृहस्थी चल रही होगी, सब मैरिड होंगे, तो कोई बात नहीं, सुबह दिन का टाइम तो आपके पास फ्री है, तो उस समय हम कर देंगे, लेकिन अभी रुकिए, 3-4 दिन रुकिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपने टॉपिक पे आ जाइए, काफी बातें हो चुकी है। मैंने यहां पर लिखा 2 32, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। चलो एक बार कर लेते हैं, इधर से उधर जाना है, क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। ये है 232, और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो नीचे आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो इधर आएगा, लेकिन याद रखना जैसे ही आंसर आता है वैसे रिमाइंडर भी आता है। क्लियर बच्चों, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, कितना 1, फिर 1, देखिए 1, फिर इसमें डिवाइड गया 1, फिर इसने 1 दिया तो 12 हुआ, ये कितना हो गया 6, पूरा पूरा गया, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्लियर बच्चों, कशिश जी टॉपिक तो स्टार्ट हुआ है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, इस ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर सको, रुक जाइए। 5 दिन का बोला है मैंने, 5 से 6 दिन वीडियो में लगते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ जी, यहां पर आइए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना होगा बच्चों 5, ये इधर गया, ये कितना हो गया 8, पूरा पूरा डिवाइड, इसलिए क्या 0, इसके आगे 0, फिर 2 से डिवाइड बच्चों, यहां कितना आएगा 2, यहां पर कितना होगा 9, ये क्या हो जाएगा बच्चों 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए बच्चों, ये कितना 14, यहां पर कितना आ गया बच्चों 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, देखिए जैसे ही आंसर आता है रिमाइंडर भी आता है, जैसे आंसर आता है रिमाइंडर भी आता है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक बार कोशिश करना। हाँ जी बच्चों, यहां पर 2 से डिवाइड करो, यहां पर कितना आएगा 7, यहां पर कितना होगा 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार गया वो यहां पर, और रिमाइंडर कितना हो गया 1, फिर वापस 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार गया वो यहां पर, कितना 1, कितनी बार गया वो यहां पर, और रिमाइंडर कितना बच्चों 1। अब बच्चों इसमें नहीं जाएगा तो ये आपकी क्या कहलाती है MSB, और ये क्या कहलाती है LSB, ये सब कुछ मैंने कल बता दिया था। क्लियर बच्चों, यहां पर आइए, अपना टॉपिक ये है कि इसको बाइनरी में चेंज किया तो आंसर ये आ गया, पहले ये होगा MSB, ये होगा MSB, इधर लिखते हैं LSB, उधर लिखते हैं, ये MSB होता है बच्चों, कल मैंने सब कुछ बताया था, जो कल नहीं आए थे एक बार आज देख लेना, ये 0, ये 1, फिर 000। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अगर ऑक्टल में चेंज करते हैं तो सबको पता है 8 से डिवाइड करना है और इसी तरीके से लिखना है। अगर 16 में डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है तो 16 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन याद रखना बच्चों, सबको पता है कि अगर ये बेस 16 है तो अंदर 0 to 15 तक हो सकता है, तो 0 to 9 तो एक एक डिजिट के होते हैं। जैसे ही 10 आएगा आपको कोड क्या लिखना है बच्चों, ए। 11 आएगा कोड क्या लिखना है, बी। 12 आएगा कोड होगा सी। 13 आएगा कोड होगा डी। 14 आएगा तो कोड होगा ई। और 15 आएगा तो कोड क्या होगा है, याद रखना यहाँ 0 to 8 तक कुछ भी आ सकता है। और ऐसे ही यहाँ पर 4 बेस में अगर आपको चेंज करना है तो 4 से डिवाइड कीजिए बच्चों। यहां तक मैंने कल बता दिया था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए, न तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इनको कन्वर्ट करना, किससे डिवाइड करके 8 से, ये मत बोल देना सर अधूरा क्यों छोड़ दिया, कल करवा दिया था, कल का वीडियो जरूर देखिए। क्लियर बच्चों, ये लाइए और ये लेके आई, कैसे लाओगे, इसके लिए किससे डिवाइड करना आपको 8 से, 10 का कोई रोल ही नहीं है। चलिए मैं करके बता देता हूं, मेरे हिसाब से कर लोगे तो टाइम वेस्ट करें। 16 के लिए चेक कर लेते हैं, 16 के लिए क्या बनेगा, मान लीजिए ये है आपका 232, और किससे डिवाइड करना है बच्चों 16 से, आप बताइए ये कितनी बार चला गया, एक बार चला गया बच्चों, और 7 बचा, और 7 बचा तो ये कितना हो गया 4। क्लियर बच्चों,
अब कितना बचा, अब आपका 8 बचा। क्लियर बच्चों? अब डिवाइड होगा नहीं तो 14 को क्या कहते हैं आप बताइए, यही लास्ट है, यही लास्ट है। क्लियर बच्चों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये छोटा हो गया, किससे छोटा है, 16 से छोटा है। जब ये छोटा हो जाता है तो डिवाइड नहीं होगा, यही आपका एमएसबी है और ये आपका एलएसबी है। जो लास्ट में बचता है वो एमएसबी हो जाता है और ये आपका एलएसबी है। ऐसे ऐसे लिखेंगे, 14 को क्या कहते हैं ही, तो ये क्या हो जाएगा, E8 हो जाएगा। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा, कंफर्म कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आगे भी बढ़ना है। क्लियर? हाँ जी क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहां तक कंफर्म है क्या, या मैं वापस रिपीट करूं? लाइव क्लास का फायदा उठाइए, कंफर्म नहीं है तो आप लिख दीजिए रिपीट। रिपीट लिखना है केवल, ज्यादा बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखना, समय नहीं है अपने पास। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों 4 के लिए 4 से डिवाइड कर देना, 8 के लिए 8 से डिवाइड कर देना। कोई कहे नहीं सर मेरे को तो इधर से इधर आना है, तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अपन ऐसा भी देख लेते हैं। मान लो ये E8 है और इस ये इधर है, 16 किधर का मैटर है, 16 उधर का मैटर है, बाकी सब इधर का मैटर है, आपको इधर से इधर आना है। कोई बात नहीं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू से। देखो बच्चों कैसे करते हैं, ये कल पढ़ा दिया था इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड कर रहा हूं, क्योंकि आज का टॉपिक तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। ये तो मैंने कल भी बता दिया था, इधर से इधर जाना और उधर से इधर आना। बच्चों एक बार बताइए, इधर से इधर का मैटर है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1। सबको पता है 16 की पावर 0 कितना होता है, 1, और ये कितना, 16। अच्छा ये कितना होता है, तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। क्या है बच्चों, ये प्लेस वैल्यू है, मतलब स्थिति मान है किसी चीज का। अब बच्चों अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 × 1, सबको पता है 8 × 1 क्या होगा, 8। E का मतलब 14 है, 14 × 16 कीजिए। तो बच्चों 14 × 16 करोगे तो आप बताइए कितना आएगा, तो 16 का 10 160 होता है, और 160 प्लस 64 124 होता है। 124 प्लस 8 कितना, सॉरी 224 प्लस 8 कितना हो गया, 232। क्या देखिए, ये क्या 232 ही था, बिल्कुल था। इसका मतलब पूरा केस समझ में आ गया होगा, इधर से इधर जाएंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए बच्चों आज अपन आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और कैसे कैसे कन्वर्जन हो सकते हैं। देखो आज का अपना टॉपिक है, हाँ जी यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, या तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कमेंट कर दीजिए फास्ट, कमेंट चलते रहने चाहिए। सर क्लियर तो क्लियर लिखिए, रिपीट तो रिपीट लिखिए, लाइव क्लास का फायदा उठाइए जितना उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा ये 125 है, 125 है, ये किसके अंदर है, ये ऑक्टल के अंदर है। और बच्चों मेरे को इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्सा। मैं इसके बहुत सारे मेथड बताऊंगा लेकिन अभी इधर ध्यान दीजिए। देखो बच्चों मैंने कहा ऑक्टल किधर का मैटर है, ये सब समझ में आ गया। ऑक्टल भी इधर है और हेक्सा भी इधर है। और बच्चों इधर केवल किसका राज रहता है, ये डेसिमल का है। अब तक जो बताया उससे ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी पॉइंट मैंने नहीं बताया तो पॉइंट को छोड़कर आप बताइए आपको दिया क्या है, आपको ये दिया है। अब बच्चों इधर से डायरेक्ट इधर जाना मैंने नहीं बताया, लेकिन आप बताइए क्या आप इधर से इधर आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। फिर क्या इधर से इधर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। क्लियर, ये हेक्सा में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऑक्टल इधर का मैटर है और आपको हेक्सा चाहिए, ऑक्टल इधर का मैटर है, हेक्सा भी इधर का मैटर है, और ऑक्टल से आपको हेक्सा चाहिए तो आप इधर से इधर आ जाइए, फिर इधर से इधर चले जाइए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। अब एक बार बताइए अगर इधर से इधर जाना है तो ये 125 ले लीजिए और इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लेस वैल्यू 10 का तो कोई रोल ही नहीं है, 10 का तो कोई रोल ही नहीं है। आप बताइए ये क्या होगा, 8 की पावर 0, ये 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 2। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा बच्चों ये कितना होगा, पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। कल एक कमेंट ये भी आया था कि सर आप 0 पावर से क्यों स्टार्ट करते हो। बच्चों मैं नहीं कर रहा, ये तो नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है कि आपको 0 पावर से स्टार्ट करना है। याद रखना आप इकाई दहाई क्यों बोलते हो, क्योंकि ये इकाई है, इसकी वैल्यू 1 है, दूसरे प्लेस की वैल्यू 10 है। ये मैंने सब बताया था, मैं कुछ भी नहीं रटवाता हूँ, सब कंसेप्चुअल चलता हूँ, फिर भी दिक्कत आए
कमेंट जरूर कीजिए। मैं 7 बजे बाद सबके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। सुबह 7 से शाम को 7 तक मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्लास के अंदर रहता हूँ। 7 बजे बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। यहाँ पर आइए, 8 की पावर 01, ये कितना बच्चों 8 और ये कितना बच्चों 64। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन्हीं को जोड़ देते हैं। अरे बच्चों ये तो केवल प्लेस वैल्यू है, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए डेटा से। बोलो ये कितना आ गया 5 और बच्चों ये कितना 16 और बच्चों ये कितना हो गया 64। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और 64 + 16 + 5 बच्चों ये कितना हो गया 85। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अपन से पूछा ही नहीं गया और बच्चे आंसर ये करके आ जाते हैं, ये गलत हो जाता है। आपको अब इधर से इधर जाना है, सबको पता है आपको क्या करना है। बच्चों डिवाइड, एक बार बताइए बच्चों ये 85 है, अच्छा किससे डिवाइड करूं? पहला पॉइंट है 16 से डिवाइड करूं क्योंकि 10 का तो कोई रोल ही नहीं है, 10 का कोई रोल नहीं है, 10 तो इंसान का कोड है, इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर बच्चों? अब आपको किधर जाना है, इधर से इधर जाना है, 16 से डिवाइड कर दीजिए। बच्चों कितनी बार चला गया, बोलो कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? वो यहाँ पर। और जो 80 काम आ गया कितना बचा? वो 5। बच्चों अब तो नहीं जाएगा, तो यही आपकी MSB है, सबको पता है ये दोनों ही आपको लिखने हैं। ऐसे चलता है ना बच्चों ये, तो 5-5 हो गया। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कितना हो गया 5-5। यहां तक क्लियर? कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट कर दीजिए आपका क्वेश्चन क्या था, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों देख लीजिए, नोट्स जब बना रहे हो तो याद रखना ये दे रखा है और ये पूछा जा रहा है और क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करके बताइए। देखो देख कुछ भी रखा हो अपन को पता है, ओक्टल इधर का मैटर है, हेक्सा भी इधर का मैटर है, ओक्टल भी इधर का मैटर है, हेक्सा भी इधर का मैटर है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आया उसको समझना, 1, 2, 2 और इसका बेस है कितना बच्चों 3 और इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है हेक्सा के अंदर। बच्चों अगर मैं इसको हेक्सा में चेंज करूं तो पहले ये बताइए किधर का मैटर है। बच्चों ये बेस 3 है, ये उधर का मैटर है और हेक्सा भी उधर का मैटर है। आप बताइए सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल है तो आप इधर से इधर आइए, क्लियर, क्योंकि आपको ये दे रखा है और फिर आप इधर से इधर चले जाइए, क्लियर। एक बच्चा कल कह रहा था सर आप पढ़ाते हो तो समझ में आ जाता है, बाद में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। बच्चों क्योंकि आपने पढ़ाई की है, बहुत टाइम हो चुका है, माइंड जटिल हो चुका है, मेरे कहने से एक वीडियो को 2 से 3 बार देखो, लेकिन देखते वक्त और विचार दिमाग में नहीं आने चाहिए क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके का है। अगर तुमने वाकई क्लास भी अटेंड कर ली तो एग्जाम में वो लेटर आर डांसिंग का नाम सुना है, क्वेश्चन आर डांसिंग हो जाएगा बच्चों, क्लियर। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं वैसे चलिए, क्लियर। यहाँ पर आइए, ये था इधर से इधर जाओ और इधर से इधर आओ, क्लियर बच्चों। यहाँ पर आइए, सबको पता है इधर से इधर, भाई वो कैसे भी लिख के दे दे, अपन को ये पता होना चाहिए ये किधर होता है, ये इधर होता है और ये किधर होता है, तो ये भी इधर होता है। अब इधर से इधर कुछ बताया नहीं तो इधर से इधर जाके डिवाइड करके ऐसे पहुंच जाओ, क्लियर बच्चों। इस क्वेश्चन को और देखते हैं, आपका क्वेश्चन था 1, 2, 2 बच्चों, इधर से इधर आएंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। सबको पता है ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये मत जोड़ देना, अब जो आएगा उसको जोड़ेंगे। बोलो प्लेस वैल्यू 1 है, 2 × 1 ये इसका मान हुआ, बोलो 2 × 3 कितना 6 हुआ, बोलो 9 × 1 9 हुआ, 9 + 6 + 2 कितना हो गया बच्चों ये 17 हुआ। बोलो यहां तक क्लियर है? अब बच्चों इसको मेरे को इधर लेके जाना है तो 17 को किससे डिवाइड करो? 16 से, एक बार बचा भी एक है, अब हो ही नहीं सकता, तो बच्चों क्या हो जाएगा? दोनों आएंगे, ध्यान रखना, इसको MSB कहते हैं, जो पहले पहले बचता है उसको LSB कहते हैं। बच्चों क्या आ जाएगा? 1, 1, पहले कौन सा 1 है ये, दूसरे बार कौन सा 1 है ये, क्लियर है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा रहा हूं, मान लीजिए ये आपका डेटा है, ये आपका डेटा है और ये हेक्सा है, और आप कहो कि सर इसको बाइनरी में चेंज करो। मान लीजिए ये आपका डेटा है AB और ये हेक्सा है, और आपसे पूछा गया है
कि सर एक काम करो, इसको बाइनरी में चेंज करो। किसमें चेंज करो? बाइनरी। तो बच्चों सबको पता है आपका क्वेश्चन था ए बी हेक्सा को किसमें चेंज करो? बाइनरी में चेंज करो। इसके मैं दो तीन तरीके बताता हूँ, लेकिन पहले तो अपन वही तरीका देख लेते हैं। बोलो किधर से किधर का मैटर है, किधर? अगर ये मैटर होता डायरेक्ट आ जाता बता दिया था, अगर ये मैटर होता डायरेक्ट ये आ गया बता दिया था, लेकिन अगर इधर का मैटर से इधर का मैटर लाना है तो इधर से इधर जाओ फिर इधर से इधर चले जाओ। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अच्छा एक बार बताइए, ये मैटर भी इधर का है और ये भी इधर का है, दोनों मैटर इधर ही इधर के हैं, तो इधर से इधर आइए फिर इधर से इधर चले जाइए। एक तरीका तो ये है, चलो कर लेते हैं बच्चों। ये ए बी है और ये क्या है? 16 की पावर 0 है। क्लियर? अच्छा तुम सोच रहे होंगे 10 यूज क्यों नहीं किया, 10 तो कभी यूज होता ही नहीं है। वही यूज होता है जो इंसान के कोड के अलावा दूसरा कोड है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, ये 16 की पावर 1 होगा। अच्छी तरीके से सुनना, मैं फिर कह देता हूँ, जो मेरे को सुनता है उसी के समझ में आ जाता है। देखो बच्चों आपके बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, लाइव तो 10-12 ही आते हैं, सबको पता है, तो फिर ये और बच्चे के क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। कोई एमएनसी में काम कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई फैमिली चला रहा है, कोई घर पे बैठा हुआ नहीं है, तो वो बाद में भी तो देखते हैं ना, उनके समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर? आप एक बार नहीं समझ में आए, दो बार देखिए। यहाँ पर आओ बच्चों, 16 की पावर 0 1 और ये क्या होता है? 16। बच्चों ये 10 होता है, ये 11 होता है, सबको पता है ये प्लेस वैल्यू है। ये क्या कहलाती है? ये प्लेस वैल्यू कहलाती है। और ये क्या कहलाता है? ये आपका नंबर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? इस नंबर की वैल्यू कहलाती है। किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। समझ में आ गया होगा? यहाँ पर आ जाइए बच्चों, 11 × 1 कितना होगा? 11 प्लस बोलो ये 160। बच्चों कितना हो गया? 171 हो गया। क्या ये पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये तो 171 है, देखिए मैं उधर कर देता हूँ ताकि आपके अच्छा समझ में आए। ये 171 है, दिखाई दे रहा होगा आपको, 171 है। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो बच्चों, ये 8 होगा। कितना होगा? 8। अब बच्चों एक बचा, वो एक इधर गया, ये 11 हुआ, कितना हो गया? 5। अब बच्चों कितना आया? जो रिमाइंडर है वो कितना आया? 1। क्लियर? 85 आया और रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया बच्चों 1। अब आप फिर डिवाइड करो 2 से, ये कितना होगा? 4 और इसमें 2, सबको पता है 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा और इसमें 1 बार जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 10 बार जाएगा और 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 5 बार जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। देखिए जब आंसर आता है तो रिमाइंडर भी आता है, जब आंसर आता है तो रिमाइंडर भी आता है, जब आंसर आता है तो रिमाइंडर भी आता है। आंसर आया, रिमाइंडर भी आया। 2 से डिवाइड करो, आंसर 2 आया, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 1 आया। थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि कंफ्यूज नहीं हो। फिर जाएगा क्योंकि छोटा नहीं हुआ, जब छोटा हो जाए तब रोक देना, जब तक छोटा नहीं हो बराबर भी है तब तक डिवाइड होता रहेगा। आप बताइए एक बार गया कितनी बार? 1 बार। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों? 0। अब रुक जाइए, यही एमएसबी कहलाता है, वो ये पूछ सकता है, कोई एलएसबी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछे सबका आंसर आ जाएगा। अगर वो एलएसबी पूछे कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका एलएसबी क्या होगा, तो बच्चों यहीं रुक जाओ, लेकिन जब वो एमएसबी पूछे तो आपको यहां तक जाना है। क्लियर बच्चों? क्या बन जाएगा? सबसे पहले 1 0 1 0 1 0 1 1। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ लॉजिक बता रहा हूं, समझना, ये आंसर आपके दिमाग में रखना, ये लास्ट में वापस लेंगे, एक बार क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है? दुनिया का कोई भी कोड हो, किसी भी तरीके का हो, सब कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब तो सब कन्वर्ट हो ही जाना चाहिए, एक पॉइंट वालों को छोड़कर बाकी सब कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में रहे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब तक जो पढ़ाया उससे दुनिया का सारे कोड कन्वर्ट हो जाएंगे। इधर से इधर जाना सीख गए, इधर से इधर आना सीख गए, इधर से इधर जाना भी सीख गए, बस इधर से इधर जाओ
फिर इधर से इधर जाओ। लेकिन एक बार बताइए, अगर बच्चों कोई अगर ये कह दे कि ये हेक्सा है और ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल है और ये बेस चार है और ये बेस दो है, क्लियर बच्चों, तो इनमें क्या रिलेशन है समझने की कोशिश करना, ये सब इधर का ही मैटर है। तो क्या मैं इसको बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए, क्या बोला मैंने, बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए इन सबको, क्या मैं बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए, क्या बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए इसको डायरेक्ट इसमें, इसको डायरेक्ट इसमें, इसको डायरेक्ट इसमें बदल सकता हूं क्या? तो देख लेते हैं। याद रखना बच्चों, इन सब में बाइनरी में बदला जा सकता है डायरेक्ट, इन सबको डायरेक्ट किसमें बदला जा सकता है, बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी की पावर को शामिल करके ये बना, तीन पावर को शामिल करके ये बना, इसकी चार पावर को लेके ये बना। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इनसे आप डायरेक्टली बाइनरी लिख सकते हो, इन तीनों से बाइनरी लिख सकते हो और बाइनरी से ये तीनों लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, याद रखना कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या वाकई गुरुजी इसकी जरूरत है? क्यों बता रहे हो आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इधर से इधर जाना तो डिवाइड करना, इधर से इधर आना मल्टीप्लाई करना, अगर इधर से इधर जाना है तो इधर से इधर आओ और इधर से इधर पहुंच जाओ, गुरुजी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बता देता हूं, मैंने आपको बार बार कहा, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। क्लियर बच्चों, अब वो कैसे सोल्व होगा, थोड़ा पढ़ने की कैपेसिटी को आपको बढ़ाना होगा। एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं बाइनरी ये लिख देता हूँ 110111 और ये वन मान लीजिए ये है, और आप पूछ रहे हो कि गुरुजी इसको बेस चार में बदलो, किसमें, बेस चार। एक बार बताओ अभी ये क्या है बच्चों, ये बाइनरी है और इसको बेस चार में बदलना है, किसमें बदलना है, बेस चार के अंदर। क्लियर बच्चों, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, कितने टू को मिलाते हैं ताकि चार हो जाए, तो टू इंटू टू क्या बनता है, फोर। तो आप दो दो टू को मिलाइए, ये टू, ये दो और ये खाली रह गया, तो आगे क्या लगा दीजिए, जीरो। आप सोचो बच्चों ये कितना होता है, 120। अगर मैं आगे जीरो लगा दूं तो भी 120, एक जीरो और लगा दूं तो भी 120, और एक जीरो और लगा दूं तो भी 120, पीछे लगा दूं तो 1200 हो जाता है, मतलब वैल्यू बदल जाती है, पीछे लगाओगे वैल्यू बदलेगी। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों मान लो आपको दो दो का पैकेट बनाना है, क्योंकि सबको पता है बाइनरी में दो दो के पैकेट बनते हैं, दो दो के पैकेट बनते हैं क्योंकि टू टू क्या बनाता है, फोर। तो दो दो के पैकेट बनाते हैं, दो दो के पैकेट बनाते हैं, तो एक जगह खाली रह गई थी, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट तो केवल इतना था 111011 कि गुरुजी इसको इसको चार बेस में बदलिए। मैंने कहा ना इनसे लिंक है, इससे डायरेक्ट ये, इससे डायरेक्ट ये, इससे डायरेक्ट ये हो जाता है। अगर मान लो इसको इसमें बदलना है तो पहले इधर लाओ फिर इधर जाओ, इनमें भी आपस में लिंकिंग होती है, लेकिन आपस में उन्हीं की लिंकिंग होती है, उन्हीं की लिंकिंग होती है जो दो बेस की पावर से बने हैं। क्लियर, हाँ जी बच्चों, मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैं लाइव हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप अपने मोबाइल में देखते रहिए। बच्चों मेरे लाइव हूँ, मोबाइल भी चल रहा है, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है ना, देखिए कोई डेटा नहीं कट रहा। यहाँ पर देखो ये बाइनरी है, ये बेस चार है। अब बच्चों बाइनरी है, इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है। अगर इसमें बदलना है, ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, अगर इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, दो दो के पैकेट बनाओ। अगर इसमें बदलना है, तीन तीन के पैकेट बनाओ। अगर इसमें बदलना है, चार चार के पैकेट बनाओ। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मासूम बच्चा है, मासूम है, बिल्कुल मासूम है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, दो दो के पैकेट बनाओ। इसमें कन्वर्ट करना है, तीन तीन के पैकेट बनाओ। इसमें कन्वर्ट करना है, चार चार के पैकेट बनाओ। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार बताइए ये टू बेस है, एक बार बताओ बच्चों इसको इसमें कन्वर्ट करना है, किस, दो दो के पैकेट बना दो, दो दो के पैकेट बना दो। अब बच्चों याद रखना, नंबर हमेशा बाइनरी वाले देते हैं। बाइनरी वाले नंबर क्या है याद कर लो, पहला वन होता है, दूसरा टू होता है, फोर होता है, फिर एट होता है, फिर 16 होता है, फिर 32 होता है, फिर 64 होता है, मतलब वन लेके डबल 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 करते जाओ। वन का दुगना, दो का दुगना, चार का दुगना,
आठ का दुगना, 16 का दुगना, 32 का दुगना, क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। बाइनरी वाले नंबर देते हैं, यानी बाइनरी की प्लेस वैल्यू है ये। आप बताओ इसको क्या नंबर दू, 1 2, इस क्लियर, ये पैकेट खत्म। अब दूसरे पैकेट का नंबर भी वही 1 2, अच्छा ये पैकेट भी खत्म, इसका नंबर 1 2, ये पैकेट भी खत्म, इसका नंबर 1 2, ये पैकेट भी खत्म। पैकेट में अगर कोई संख्या कम पड़ जाए तो आगे 0 लगा देते हैं, इधर 0 लगाना है, बहुत सारे उधर लगा देते हैं। अभी मैंने बताया उधर लगाओगे तो वैल्यू बदल जाएगी। बोलो क्लियर है। अब बच्चों क्या करो, सोल्व कर लो, 1 1 1 और 2 into 1 2 1 2 1 2 कितना बन गया, 3। क्लियर बच्चों? अच्छा एक बार बताओ, 1 into 1 1, 2 into 0 0, दोनों को मिलाकर क्या बना? हर पैकेट की एक यूनिक वैल्यू निकाल लो, हर पैकेट की एक यूनिक वैल्यू निकाल लो, यहां से क्या बना, 1। बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 2, तो ये 1, और ये क्या बना बच्चों, 2, और ये कितना हो गया, 3। ये क्या है बच्चों, 1 2, ये क्या बना, 1, और ये क्या बना बच्चों, 0, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो वैल्यू है वही ये वैल्यू है, 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3। अभी नहीं आया होगा समझ में, लेकिन मैं वापस समझाता हूँ। एक बार देखिए, आपको इधर से आपको इधर जाना, सबको पता है ये मासूम है, दो दो को मिलाएंगे तो इससे बड़ा बनेगा, इसको तीन तीन को मिलाएंगे तो ये बनेगा, और इसमें चार चार को मिलाएंगे ये बनेगा। पैकेट पीछे से बनाने हैं, आगे कोई जगह खाली रह जाए तो वहां पर 0 लगाना है। क्लियर बच्चों? क्लियर है। अब एक बार बताइए, कोई ये कहे कि सर मान लो अगर इसको ऑक्टल बनाना होता तो फिर कैसे करते? चलो देख लेते हैं, ये क्या था, 1 1 1 0 1 1 1, ये था बच्चों, और ये बाइनरी था। आप टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, पेशेंस रखो, लिखता नहीं उससे पहले आपके दिमाग में यह आने लग जाता है, टफ है, क्या तैयारी करोगे, दुनिया कहां पर पहुंच गई, कहां पहुंच गई, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं वो भी तुम्हारी तरह सोचते, टफ है तो घर पे ही रह जाते। विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको बाइनरी से किसमें चेंज करना है, ऑक्टल। तो सबको पता है ये छोटा है, मासूम है, इसी के परिवार में ये सबसे बड़ा है। आप पीछे से तीन तीन के पैकेट बना लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, दो जगह खाली रह गई, दोनों जगह क्या कर दीजिए, 0। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नंबरिंग वही देनी है, पहले को 1 फिर 2 फिर 4। क्लियर है? इस पैकेट की नंबरिंग हो गई, सबको पता है 1 1 1 होता है, डायरेक्ट जोड़ दो 4 2 6 और 1 7। क्यों मल्टीप्लाई करते हो, 4 into 1 4, 2 into 1 2, 1 into 1 1, एक कोई इफेक्ट थोड़ी डालता है, नहीं डालता, इसलिए इनको ही जोड़ दो, जहां 1 1 होता है उनको जोड़ दीजिए, 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 7। अच्छा बच्चों इसकी नंबरिंग करो, वही 1 2 4। क्लियर? हर पैकेट की नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी और जहां तक पैकेट चलता है 1 2 4। बच्चों ये 4 2 6 तो कितना हो गया, 6। अच्छा 1 2 4 बच्चों ये कितना, 1, तो ऑक्टल में यही वैल्यू 167 हो गई। क्लियर है? कमेंट कर दीजिए, अभी तक कमेंट कर दीजिए, बाइनरी का क्या बना रहा हूं, ऑक्टल। बाइनरी का क्या बनाया, बेचा, कितने कितने के पैकेट, 2 2 के पैकेट, यहां पर कितने कितने के पैकेट, 3 3 के पैकेट। बोलो क्लियर, समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं आ रहा बच्चों, फिर लाइव का क्या मतलब है, अगर कमेंट ही नहीं आएगा तो लाइव का क्या मतलब है। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। यस सर अमृतपाल, यस सर, ठीक है दशरथ, क्लियर है, ठीक है भव्या शर्मा, अजय सोनी, ठीक है, और भी कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब मान लो यही क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं अच्छा एक ही साथ क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके अच्छा समझ में आए कि क्या किया था। बच्चों वही बाइनरी है, वही बाइनरी है, यही डेटा है, 1 1 1 0 1 1 1। क्लियर? इसको किस में चेंज करना है, इसको हेक्सा में चेंज करना है। अच्छा कैसे करेंगे, तो इधर देखिए, क्लियर है बच्चों? आप चार चार के पैकेट बनाइए, चार चार के पैकेट, चार चार के पैकेट बनाइए। सबको पता है मासूम बच्चा है, मासूम बच्चा है, बड़ा चाहिए, 16 चाहिए, 2 into 2 into 2 into 2 16, तब आएगा जब 4 2 बनेंगे, मतलब चार चार के ग्रुप बनेंगे। क्लियर है बच्चों? दिमाग रखिए,
ब्रह्मांड का प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा। मैं ये नहीं कि आप थर्ड ग्रेड के हिसाब से करो, नहीं बच्चों, मैं तो आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा, पूरा कंप्यूटर सिस्टम समझाने वाला हूँ। आप टेंशन छोड़िए कि सर इतना टफ आएगा या नहीं आएगा, पूरी दुनिया सीख लीजिए, जो आएगा वो कर दो। 100 किलो का वेट उठाना सीखिए, 1 किलो उठ जाएगा। तुम उठाते ही 1 किलो तो फिर वो 1 किलो नहीं उठ पाता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आ जाइए, बोलो ये क्या होगा, ये 1, 2, 4, 8 कैसे नंबर देते हैं, सबको पता है 1 से स्टार्ट करना है, 1, 2, 4, 8। क्लियर बच्चों? और ये भी क्या, 1, 2, 4, 8 तो क्या हो गया, 4, 2, 6 और 1, 7 और ये भी 4, 2, 6 और 1, 7 बच्चों ये किसमें हो गया, 16। याद रखना 0 × कुछ भी करो 0 होता है, 1 को इफेक्ट डालता नहीं, इसलिए नी को जोड़ लो या नीचे 1, 1 होता है। तो बच्चों ये तीनों जुड़ गए, यहाँ पर भी ये तीनों जुड़ गए, वो पैकेट अलग, ये पैकेट अलग, क्या हो जाएगा, 77। अब तक कोई डाउट हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर, क्लियर है, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। अगर आपके समझ नहीं आया है तो रिपीट लिख दीजिए, क्या बताया मैंने अभी तक, समझने की कोशिश करना। मैंने अभी तक ये बताया कि मान लो इधर डेसिमल है तो आप इधर जाओगे तो आपको क्या करना है, आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, इधर जाओगे आपको डिवाइड करना है, इधर जाओगे आपको डिवाइड करना है, इधर से इधर आओगे आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो आपको पिछले वाला मेथड समझ में नहीं आया और आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कोई बात नहीं, दो तरीके बता दिए, या तो इसके 3-3 के पैकेट बनाओ तो यहाँ पहुंच जाओगे, इसके 2-2 के पैकेट बनाओ यहाँ पहुंच जाओगे, इसके 4-4 के पैकेट बनाओ डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे, इसको इधर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बचा क्या बच्चों, क्या बचा कि मान लो इसको इसमें ले जाना है तो पहले इसको वहां लेके जाओ फिर 3 के पैकेट बनाओ, पहले इसको वहां लेके जाओ फिर 3 के पैकेट बनाओ, अगर इससे ये लाना है तो पहले यहाँ लेके जाओ फिर 2 के पैकेट बनाओ, क्योंकि ये सब किससे डेवलप हुए हैं, ये सब के सब बाइनरी से डेवलप हुए हैं। रटना मत, हर चीज का एक कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करो। क्लियर है बच्चों? अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको वापस समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, करें क्या स्टार्ट, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, मान लीजिए एक पॉइंट में, अभी मैंने पॉइंट नहीं लिया तो ऐसे ही समझ लो आप, ये कोई डेटा है 1101101111, ये आपका बाइनरी है और मेरे को इसको किस किस में चेंज करना है, इसको मेरे को बेस 4 में चेंज करना है, बेस 8 में भी चेंज करना है और बेस 16 में भी चेंज करना है। क्लियर बच्चों? आप कैसे करते हैं, केवल ग्रुपिंग अलग अलग होगी बस, बाकी कुछ भी नहीं कर देते हैं। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि गुरुजी इधर तो डेसिमल लेते थे, अरे बच्चों मैं तो लिख रहा हूँ कि बाइनरी उधर का ही मैटर है, उधर से उधर ही चलना है, अब कैसे लिखे उधर, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, आपको बाइनरी को उसमें चेंज करना है, कोई बात नहीं, इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1101011011। क्लियर बच्चों? अब एक बार बताइए, बेस 4 में चेंज करना है तो आप बताइए, ये मासूम बच्चा है, इसके 2-2 मिलाएंगे तो वो बनेगा। बच्चों ये 2 बना दिया, ये 2 बना दिया, ये 2 बना दिया, ये 2 बना दिया, ये खाली रह गया, आगे 0 लगा दो, ये और ये सेम है, पीछे 0 लगाते तो मतलब बदल था। क्लियर बच्चों? याद रखना, याद रखना। देखो मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, ये कितना है, ये 157 है, लेकिन अगर इसके आगे 0 लगा देता हूँ तो भी 157 ही है, लेकिन बच्चों आप सबको पता है पीछे 0 लगाने से मतलब बदल जाता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। क्लियर? यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए बच्चों, वापस आइए, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि आज तक 13 साल में किसी बच्चे ने ये नहीं बोला सर ये क्वेश्चन समझा दो, क्योंकि उसके अपने आप ही समझ में आ जाएगा, बस धैर्य रखो, रिकॉर्ड है मेरा। आज तक 13 ईयर के अंदर किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर ये क्वेश्चन वापस समझा दो। आपको क्या दिक्कत आ रही है तो याद रखना, उस वीडियो को 2 बार देखो। क्लियर? सब कुछ है उस वीडियो में, कहां दिक्कत आ सकती है, सब कुछ है उसके अंदर, बस आप थोड़ा कंसंट्रेट होके पॉइंट टू पॉइंट उस वीडियो को वापस देखो। क्लियर? यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए बच्चों, 2-2 का पैकेट बनाया, ये लीजिए 2-2 का पैकेट। अच्छा क्यों बनाया, गुरुजी 4 में कन्वर्ट करना है,
दो टू मिलके टू इंटू टू फोर बना लेते हैं। क्लियर बच्चों? चलो याद से लो, ये वन और टू, ये क्या है बच्चों, वन और टू, ये कितना हो गया थ्री, वन और टू सबको पता है, ये वन टू होगा, वन टू होगा, वन टू होगा, वन टू होगा। क्लियर बच्चों? हर पैकेट को यूनिक नंबर देना है। ये लीजिए वन टू, ये लीजिए वन टू, ये लीजिए वन टू, ये लीजिए वन टू, ये लीजिए वन टू। बच्चों ये थ्री बनेगा, ये वन बनेगा, ये थ्री बनेगा, ये टू बनेगा, ये वन बनेगा। बच्चों जो आपका डेटा है वो वन टू थ्री वन थ्री। अब एक बच्चा ये पूछ सकता है, सर इसमें चार से ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इसके अंदर की वैल्यू चार भी नहीं हो सकती है, चार भी नहीं हो सकती है। दिमाग में रखिए, चार भी नहीं हो सकती है, चार से कम ही होगी। क्लियर? अब बच्चों कोई कहे सर इसको कन्वर्ट करो, ठीक है मैं उधर ले लेता हूं ताकि आपके अच्छा समझ में आए। ये है देखो वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन वन। क्लियर बच्चों? आपको किसमें चेंज करना है? आठ में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, पीछे से तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे, एक दो तीन। अब आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप पूरे पूरे हैं। नहीं होता तो बच्चों जीरो लगा देता। क्लियर है? नंबर दे देते हैं, क्या होगा, वन टू फोर, वन टू फोर, वन टू फोर। क्लियर बच्चों? ये चार दो छह और एक सात बनेगा, ये चार और दो छह बनेगा, ये चार और दो कितना छह बनेगा बच्चों, किससे किससे, सेवन। यहां तक क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और देखता हूं। इस तरीके से मैंने दो क्वेश्चन आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश की है। क्लियर बच्चों? अब मैं इसको इसमें चेंज और कर देता हूँ, कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन, वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन वन, ये क्वेश्चन था। एक्सा में चेंज करना है, आप बता दीजिए क्या करना होगा। चार चार का ग्रुप बनाना होगा पीछे से, एक बच्चों ये दो और ये तीन, जीरो जीरो जीरो। क्लियर बच्चों? एवा बताइए नंबर वही वन टू फोर एट। बच्चों चार दो छह और एक सात, बच्चों ये वन टू फोर एट, बच्चों आठ दो दस और एक ग्यारह। जैसे ही ग्यारह आए रुक जाइए, ग्यारह लिख ही नहीं सकते, समझ में आ गया होगा। और ग्यारह क्यों आ रहा है, क्योंकि सोलह है तो अंदर ग्यारह आ सकता है, लेकिन वन वन मत लिख देना क्योंकि सबको पता है एक ही डिजिट लिखी जाती है। ग्यारह मत लिख देना, आठ दो दस और ग्यारह, बच्चों ग्यारह मत लिख देना। क्यों? क्योंकि सबको पता है दस का कोड कितना होता है, ए होता है, ग्यारह का बी होता है। तो याद रखना ग्यारह के लिए क्या यूज करोगे, बी। और बच्चों ये वन ही है, वन टू फोर एट, यहाँ से केवल वन ही आएगा, सॉरी यहाँ से केवल वन ही आएगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा क्या बन गया, वन बी सेवन। क्लियर? अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। बाइनरी से ये कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया। क्लियर बच्चों? अब अगर मान लो इधर से ये कन्वर्ट करना है तो एक एक के दो लिखो, एक एक का तीन लिखो, एक एक का चार लिखो, तो वापस ये बन जाएगा। वो भी देख लेते हैं एक बार, इसको देखिए जो आपके सामने है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। सबके कमेंट चाहिए मेरे को, जितने भी लाइव हैं, चाहे पांच बच्चे हो, चाहे दस बच्चे हो, चाहे बीस बच्चे हो, सबका कमेंट आना चाहिए। अनुप्रिया कह रही है सर क्लियर है, ठीक है। हाँ जी भव्य क्लियर है, दशरथ क्लियर है, रिंका क्लियर है, अजय सोनी क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो बच्चों सभी के तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन याद रखना, मान लो अगर आपके क्लियर नहीं होता है, वीडियो को एक दो बार देखना। क्लियर बच्चों? एक दो बार देखना। हाँ जी बच्चों, अब तक क्या क्या पढ़ाया एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ये कहे कि सर ये है ए बी है, ए बी सी है, ये हेक्सा में है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, इसमें टू बेस में ले आओ। ये तो क्लियर है कि टू बेस था तो चार चार के पैकेट बना, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, चार चार के पैकेट बनाओगे तो ये बड़ा आदमी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? लेकिन याद रखना अगर ये बड़ा दे रखा है और ये लाना है तो इसके लिए चार बिट लिखनी है। कितनी? चार, एक दो तीन चार, एक एक के लिए चार चार लिखनी है, फिर दूसरे के लिए भी आपको चार लिखनी है, एक दो तीन चार। क्लियर? और इसके लिए भी आपको चार लिखनी है, एक दो तीन चार, फिर ये हटा देना
और बदल देना। बोलो क्लियर। यहाँ पर आइए। अच्छा, सी के लिए चार लिखनी है। सी को क्या कहते हैं, तो याद रखना सी को क्या कहते हैं, 12। आप सबको पता है कि 1 2 4 8 ऐसा होता है, आगे 16 होता है। लो तो लो ना, कोई जरूरत ही नहीं है, केवल अपन को चार लिखना है। कितना लिखना है, चार। बच्चों 12 कैसे बनता है, 8 4 12, बाकी दोनों जीरो कर दो। जो चाहिए ना 12 बनाना है तो 8 और 4 को ही लो, बाकी दोनों को जीरो कर दो। क्लियर हो गया होगा, तो एक बार बताइए, दोनों 1 1 लो, बाकी दोनों को जीरो कर दो। बी कितना होता है बच्चों, बी होता है 11। अच्छा बच्चों वही तरीका है, चार में लिखना है तो 1 2 4 8। अच्छा बच्चों बी 11 होता है तो 8 2 10 11। बाइनरी सिस्टम ऐसा है कि सब यूनिक ही आते हैं, दो सेम हो ही नहीं सकते, सब अलग अलग ही होते हैं। याद रखना 11 बनाने का एक ही तरीका है, 8 2 10 11। क्लियर बच्चों, चार को मत लो, बाकी इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। बच्चों क्या बना, ये बना 1 0 1 1। अब 10 बनाना है बच्चों, एक बार बताओ वही 1 2 4 8, आपको 10 बनाना है। 8 ले लो 10 ले लो 8 ले लो 2 ले लो, हो गया 10, बाकी दोनों मत लो, तो क्या बन जाएगा, 1 0 1 0। अब बच्चों बस यहाँ से ये लाइन हटा दो, ये लाइन हटा दो, तो क्या बन गया, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये क्या बन गया बच्चों, ये बाइनरी बन गया। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्लियर है, कमेंट बराबर नहीं चल रहे हैं बच्चों, क्लियर। हाँ जी, मैं सभी का कमेंट देखना चाहता हूँ भाई। आपको बड़े को छोटे में चेंज करना है तो 4 4 4 4 का बनाइए, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, ठीक है, ये आपके जस्ट सामने है, जो भी आपको करना है कीजिए, नोट्स खुद के बनाइए। क्वेश्चन ये था कि इसको चेंज करो, तीनों पार्ट है, ये सी है आपका, ये क्या है, तो ये सबको पता है, ये आपका सी है यानी 12 है, ये आपका बी है यानी 11 है, ये सी का है रिप्रेजेंटेशन, ये बी का है रिप्रेजेंटेशन, और ये ए का है रिप्रेजेंटेशन। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा, मैंने लिख दिया अपनी अपनी लोकेशन पे, फिर ये हटा दिया, क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। ये जो मुकेश है, क्या ये मुकेश पाटीदारी है, यस लिख के बताना, मुकेश पाटीदारी है क्या, जो मुकेश है इस बैच में, मुकेश आ रहा है, ये मुकेश पाटीदारी है क्या, यस लिख के बता दो या नो, यस या नो में बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चले क्या बच्चों, आगे बढ़ते अपन। यहां पर आइए, मैंने ये लिखा, मान लो ये एबीसी है, ए बी पॉइंट, चलो पॉइंट बाद में लगाएंगे, ए बी 9 और ये 7, और इसका ये हेक्सा है, मेरे को ऑक्टल में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है ऑक्टल। ये पता है ये दो के परिवार में ही है, ये दोनों ही दो के परिवार में है, क्या करेंगे, सबको पता है पहले बाइनरी ले आएंगे, क्या लाएंगे, बाइनरी 1 2 3 4, ये लीजिए 1 2 3 4, ये लीजिए 1 2 3 4, ये लीजिए। क्लियर बच्चों, अब मान लो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4। क्लियर बच्चों, चलिए बाइनरी बन जाएगा। अब इनके डेटा को पुट कर देते हैं बच्चों। 7 कैसे बनता है, या 7 बनाने का तरीका बता रहा हूं, 1 2 4 8 बच्चों यही लिखेंगे, लिखने को तो कितना भी लिख दो, लेकिन चार ही काम में लेना है तो 1 2 4 8। 7 बनेगा, 8 मत लो, बाकी 4 2 6 और 1 7 बच्चों 0 1 1 1, क्लियर हो जाना चाहिए। 9 कैसे बनेगा, 8 और 1, बाकी सब 0। क्लियर बच्चों, ये 7 बन गया, 8 और 1 9, ये 9 बन गया, 1 0 0 1। क्लियर बच्चों, बी मतलब 11 कैसे बनेगा, 8 2 10 और 11, ये 11 बन गया, क्या हो गया, 1 0 1 1। ए कैसे बनेगा, ए का मतलब 10 होता है, 8 2 10, बाकी दोनों जगह 0, तो क्या बन गया, 1 0 1 0। हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए, क्या ये क्लियर है, क्या कमेंट कर दीजिए। चाचार में लिखा, हेक्सा को चाचार में लिखा, समझ में आ जाना चाहिए, कमेंट प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ जी, सबके समझ में आ रहा है, किसने नहीं बोला, रिपीट कर दो बच्चों, अगर रिपीट करना है तो बताइए।
हाँ जी सबके क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों यहाँ पर आ जाओ, बाइनरी नहीं ऑक्टल चाहिए। तो ये जो डेटा है 10101010011001 क्लियर बच्चों, इसको अपन को ऑक्टल में बदलना है। तीन तीन के पैकेट बना लो क्योंकि ये तो बाइनरी है। क्या चीज है ये बाइनरी है बच्चों, बदल लीजिए। ये 1 2 4 होगा कितना हो जाएगा 7, 1 2 4 होगा क्लियर बच्चों कितना हो जाएगा 2, 1 2 4 होगा कितना हो जाएगा 6 बच्चों, 1 2 4 होगा कितना हो जाएगा 5, 1 2 4 होगा कितना हो जाएगा 2, और ये 1 1 2 4 होगा ये कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आएगा 1 2 5 6 2 7 क्लियर बच्चों, ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है 1 2 5 6 2 7 ये इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है बच्चों, अगर एक भी तरीका समझ में आ गया आप सारे कर दोगे। क्लियर, क्या क्या बताया, अब यहाँ पर आ जाइए मैं पूरा रिव्यू दे देता हूँ आपको क्या क्या बताया। बच्चों अगर इधर डेसिमल है, क्या है बच्चों डेसिमल, तो इधर जाएंगे क्या करेंगे डिवाइड। एक तरीका तो ये है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो 8 और 16। हाँ इधर से इधर आओगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर से आपको इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो पहले इधर जाओ फिर इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों, लेकिन अगर कोई कहे कि सर मेरे को इससे यहाँ जाना है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ जाना है तो पहले यहाँ जाना होगा फिर यहाँ आना होगा। क्लियर बच्चों, और याद रखना 2 से 5 नहीं बन सकता, 4 से 7 नहीं बन सकता, 16 से 11 नहीं बन सकता, उसके लिए तो आपको इधर जाके इधर ही आना है। जो टू का परिवार है, टू का परिवार में कौन कौन आता है, तो 2 4 8 16 वही बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर यहां तक, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिया कि सर मान लीजिए 7 8 है, 7 8 की जगह मैंने ये लिखा कि सर 7 7 5 है और ये ऑक्टल है और इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, हेक्सा। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं समझने की कोशिश करना। एक तरीका तो ये है 7 7 6 है, 7 7 5 है, 7 7 5 है। एक तरीका तो ये है, ये ऑक्टल है, पहले आप इधर जाओ ये डेसिमल आएगा, फिर आप एक झटका दे दो और यहाँ चले जाओ ये क्या जाएगा हेक्सा। उधर से इधर आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से डिवाइड करके उधर पहुंच जाएंगे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि इसको बाइनरी में चेंज कर लो। क्लियर बच्चों, बाइनरी में 4 4 के पैकेट बनाओ ये आ जाएगा। अब इसको बाइनरी में चेंज करते हैं तो देखिए सबको पता है 3 3 डिजिट काम आएगी, 1 2 3। क्यों, क्योंकि ऑक्टल का बाइनरी है 1 2 3, ये बहुत बड़ा है, इससे 3 3 2 मिलकर ये बनाते हैं 1 2 3। क्लियर बच्चों, चलो एक बार बताओ 1 2 4 ही लिखेंगे, 3 बाइनरी है 1 2 4 ही लिखेंगे। क्लियर बच्चों, एक बार बताओ 5 कैसे लिखेंगे, 101, 4 और 1 5 ये 101, ये क्या होगा 5। 7 कैसे लिखेंगे, 111, ये 7 हो जाएगा, 7 कैसे लिखेंगे, 111। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आ जाइए, जो बाइनरी बना वो जस्ट आपके सामने है। क्या बना बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 111 111 और 101। क्लियर बच्चों, ये आपका बाइनरी बन गया। क्लियर, समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ, ये बाइनरी बना। अब इसका क्या बनाना है, आपको हेक्सा बनाना है। नंबर दे दो 4 4 का पैकेट बना के, नंबर दे दीजिए 4 4 के पैकेट बना के। देखो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है, तो 4 का पैकेट 0 लगा के बना सकते हो। बोलो 1 2 4 8, 8 4 12 और 1 13, और 13 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, 13 को क्या लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं। क्लियर है कि बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ, 13 को क्या लिखते हैं, डी। क्लियर है बच्चों, भव्या ने आंसर भी दे दिया, बहुत अच्छा लगा। 1 2 4 8, क्लियर बच्चों, 8 4 12 2 14 1 15, 15 को क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं एफ। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, 15 15 मत लिख देना, 14 14 मत लिख देना, 13 13 मत लिख देना, समझने की कोशिश करना।
यहाँ पर आइए, ये 1248 बच्चों यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, तो 1FD ये आपका आंसर होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्या बताया, क्लियर बच्चों, कैसे भी चलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। सभी के कमेंट चाहिए मेरे को, मेरे को सभी के कमेंट चाहिए। लाइव क्लास का मतलब क्या है, ऐसे तो मैंने सारे वीडियो रिकॉर्ड करके रख रखे हैं, आपने देखे होंगे सारे वीडियो रिकॉर्ड है, आपने देखे होंगे, आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो दिए हैं, फिर भी लाइव क्लास क्यों चल रही है, ताकि अच्छा समझ में आए। ठीक है, क्लियर है सर। प्रियंका गायब हो गई शायद क्लास से, प्रियंका क्लास में है क्या, प्रियंका क्लास में देखी थी, अभी नहीं दिख रही है। हाँ जी, क्लियर है क्या बच्चों, इसको जरूर देखना। प्रियंका, यस सर, प्रियंका समझ में आ गया क्या आपके, हाँ जी ठीक है बेटा, नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो, रिपीट के लिए कह दिया करो, ठीक है। अच्छा, एक दो बार देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैंने लिखा ये है 2, 2, 3 और यह बेस 4 है, मेरे को इसको हेक्सा में बदलना है। बच्चों वही 2-3 तरीके हैं, ये 4 किधर का मैटर है, आपके नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आपका दोनों तरीके से मैं करके बताता हूँ। इधर देखिए, दोनों तरीके से मैं कर रहा हूँ, एक इधर एक उधर, बोलो 2, 2, 3, 2, 2, 3 क्या है बच्चों, 4। आपको पहले इसको डेसिमल में ले आओ, डेसिमल में आने के बाद एक झटका दो, ये आ जाएगा। अब बच्चों कैसे लाते हैं डेसिमल में, ये 2, 2, 3 है, क्लियर 2, 2, 3। बच्चों एक बार बताइए, जो 2, 2, 3 है, क्लियर, 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 से, 4 की पावर 1 से, 4 की पावर 2 से, ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 16 होता है। आप बताइए, ये 16 into 2 32 होता है, ये बच्चों 8 होता है, और ये बच्चों 3 होगा, और सबको जोड़ दे ये 43 होगा, और 43 का अब अपन को इधर जाना है, क्या बच्चों, हेक्सा बनाना है। डिवाइड करेंगे 43 को 16 से, डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आ गया, 2 बार गया 32, 11 बचा। अब 11 को 11 मत लिखना, दिक्कत हो जाएगी, 11 का मतलब 11 नहीं होके क्या होता है, बी, याद रखना, अब भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, 2B। क्लियर बच्चों, अगर वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, इधर देखिए, आप सबको पहले 2-2 के पैकेट बनाने हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बाइनरी। क्लियर बच्चों, क्योंकि सबको पता है 4 से 2 पे आओ, 4-4 के पैकेट बनाओ, 16 बन जाएगा। यहाँ पर आइए बच्चों, ये 1, 2 और बच्चों 1, 2, अच्छा 3 है, तो 3 का क्या मतलब है, वही 1, 2 याद रखना, अगर 3 होते तो 1, 2, 4 याद रखना, 4 होते तो 1, 2, 4, 8 याद रखना, 5 होते तो 1, 2, 4, 8, 16 याद रखना, समझ में आ गया होगा। 32-bit का कोई कोडिंग सिस्टम अभी तक वैलिड नहीं बना, 16-bit तक का बना है, तो एक्सा तक आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर आइए, 1, 2, 1, 2, 3 बनाना है, तो 3 कैसे बनेगा, दोनों ले लीजिए 1, 1, दोनों लेने का मतलब 3 है बच्चों, यहाँ 1, 1 आ जाएगा। अच्छा 2 बनाना है, तो वही 1, 2, 2 बनाना है, तो 2 ही लीजिए, वो मत लीजिए 1, 0। अच्छा आपको 2 बनाना है, वही 1, 0, तो आपका 1, 0, 1, 0, 1, 1 हो गया। ये क्या बना बच्चों, ये बाइनरी बना। अब आपको 4-4 के पैकेट बनाने हैं, तो 1 और ये 2 पैकेट बनेंगे। क्लियर बच्चों, नंबर दे दो, 1, 2, 4, 8, 8, 2, 10, 11, 11 को क्या कहते हैं, बी, 1, 2, 4, 8। क्लियर बच्चों, ये क्या हो गया आपका 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2B, क्या यही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके मैंने समझा दिए। क्लियर बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है सबके, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। आज तक का मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया, अब कर लेंगे अपन इनके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, पॉइंट वाले भी आते हैं, लेकिन वो बड़े एग्जाम में आते हैं, पढ़ाना तो ही बच्चों, सब कुछ ही पढ़ाना है, कुछ किसी भी चीज का भरोसा मत कीजिए। फर्स्ट ग्रेड में नेट का लेवल आएगा, सेकंड ग्रेड में PGT का लेवल आएगा, थर्ड ग्रेड एक ऐसा एग्जाम है इसमें मैक्सिमम इतना तक पूछा जा सकता है। क्लियर बच्चों, लेकिन आप पूरी तैयारी कीजिए,
क्यों बार बार फीस देते हो कोचिंग वालों को, एक बार दे दीजिए और तगड़े तरीके से पढ़िए और सारी फैकल्टी यहाँ पर टॉप मोस्ट है। क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं एक मिनट में इस पॉइंट को खत्म कर रहा हूं और उसको समझना। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया कि अगर इधर डेसिमल होता है और इधर सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं आए तो वैसा तो है ही अपने पास कि डेसिमल से पांच पे जाना है। अगर मान लो कोई कह दे कि सर बाइनरी से आपको इस पे जाना है पांच पे, तो वैसे बनाओ, वैसे नहीं बनेगा पैकेट वाला, क्योंकि इससे केवल 8, 4, 16 यही बन सकता है। तो फिर इसका तरीका क्या है? इधर से इधर जाना और फिर इधर से इधर चले जाना। क्लियर बच्चों? सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये पूरा टॉपिक है मेरी तरफ से, आज की क्लास यही मैं खत्म कर रहा हूँ। एक बार लास्ट कमेंट कर दीजिए, आज का पूरा समझ में आ गया है क्या? क्लियर? 3 बजे मिलेंगे, इनइक्वलिटी चल रहा है। एक वीडियो मेरे को यूट्यूब पे डालना था, कल डाल नहीं पाया, आज पहुंच जाएगा, डिजिटल लॉजिक गेट। क्लियर बच्चों? ठीक है, थैंक्स।